मे बी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता होगा अप्रैल में, बट द एकेडमिक ईयर स्टार्ट्स इन जून. एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, फॉर ऑल द फ्रेश कमर्स हु आर स्टार्टिंग देयर अ न्यू एरा ऑफ लाइफ विद अ न्यू स्टेप इन देयर लाइफ, शुड बी कॉन्ग्रेचुलेटेड, शुड बी विश्ड अ वेरी गुड सक्सेसफुल ईयर. एंड दिस फर्स्ट डे ना, इसकी एक अहमियत होती है, बिकॉज इट्स अ मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट, नर्वस एंड अ बिट ऑफ कॉन्शियसनेस, जो आज मैंने एक्सपीरियंस की. वैसे तो मैंने अपने स्कूल डेज और कॉलेज डेज में भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, बट टुडे इट वॉज स्पेशल व्हेन आई वॉज ड्रॉपिंग धैर्य फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज नर्सरी ग्रुप, वेयर ही वॉज अ बिट एक्साइटेड फॉर द न्यू ईयर, बट नर्वस भी था. एंड जैसे ही उसने बच्चों को रोते हुए दिखा, वो बहुत कॉन्शियस हो गया एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, विच वॉज सो क्यूट. बट दिस फर्स्ट डे ना, वो एक एक्साइटमेंट, ये नर्वसनेस, ये कॉन्शियसनेस, ये सारी तो होती रहेगी, बट ये हमेशा याद रहता है. जैसे मैं अपने फर्स्ट डे हमेशा इग्नोर करती थी, हमेशा अवॉइड करती थी, बिकॉज आई वॉज अ इंट्रोवर्ट इन माई टीन एज, वेयर आई यूज टू फील शाई. मेरे को ऐसा लगता था कि आई विल बी रैग्ड बाय द सीनियर्स, ये वाली फीलिंग. सो ऑल द कॉलेज स्टूडेंट्स हु आर स्टार्टिंग द ईयर विद दिस फर्स्ट डे, गो विद द स्माइल, गो विद दैट कॉन्फिडेंस एंड टेल दैट द एंड रिजल्ट दैट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ विल बी अकम्प्लिश्ड व्हेन यू स्टार्ट द फर्स्ट डे विदाउट फियर, विदाउट हेजिटेशन एंड a bit of confidence and a bit of self-esteem that will make you achieve all the goals. So all the best for the newcomers, for the freshers, for the first timers, and ye sabhi logo ke liye, from nursery to the PhD or PG.